mechanics of this vehicle and then get it ready to go. और फिर ये जाके final paint होती है. ये final paint होती है. यार आज का दिन बहुत मुश्किल, बहुत भारी भारी गाली देने को दिल कर रहा है, लेकिन can do that. ये तो हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं फिनिश. अच्छा हमने भी जब ये टेकअप किया, क्योंकि क्लाइंट के बीच से कोलैप्स कर जाती. तुम भाई
क्या पता आप लोगों के पास थी। ये पानी ये बड़ी है भाई, तू लगा ले मैं ऑडियो ना। तो फायर वॉल पे तो खैर ये तो अभी एक और कहानी है। मीनवाइल उस्ताद ने अभी ये फ्रंट इनर फेंडर का एक और पीस लगा दिया। क्या मर्सिडीज की जिंदगी पे रहते हुए साथ क्या अलीम भाई कैसा महसूस कर रहे हैं मर्सिडीज करते करते? ऑल्टो भी उस्ताद बेहतर होनी चाहिए वैसे तो। बताए ना उस्ताद क्या सामने आया जरा कुछ, अभी जो आपको फटीक मिली वो क्या मिली? अब ये है कि ये सारा नया बना के डालना पड़ेगा। थोड़े से नहीं ये देखे कितनी मोटी मोटी फिलिंग हुई थी। ये पॉलीकेट है, ये तो ऐसा लग रहा है उस्ताद चार सूट पांच सूट जितना, यानी 4 mm या 5 mm जैसी थिकनेस है पॉलीकेट। ये पीस पीछे करके लगा हुआ है ना, तो इसकी ये चीरी बनाने के लिए, बिल्कुल बनाने के लिए इतनी पॉलीकेट भरी। अभी आगे जहाँ पे भरी हुई पॉलीकेट वहाँ सही है, अभी तक मैं स्पार्ट करूंगा ना, ये स्पार्ट होंगे नहीं, रुकेगा ही नहीं जी, नहीं वो है ही नहीं चादर, वो जंग जंग है सिर्फ। ये अंदर का ये भी पैनल बनाना पड़ जाएगा, डोर का साइड सपोर्ट गार्डर भी चाहिए जी। बिल्कुल सर, ये तकरीबन हमारे लिए सिर्फ हम सिर्फ अपन इसको लंबी नहीं कर रहे, बाकी गाड़ी तो पूरी सिरे से ही आ रही है। और ये ऐप निकालना ज्यादा खून पीने वाली बात होती है, क्योंकि अपने हाथ से एक चीज बनती भी आ रही है तो वो ज्यादा आसान है। अब वो उनके ऐप दूसरे के ऐप को ढूंढने में बड़ा टाइम का बहुत गया है। फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ब्रश बना ले आगे वो लगा के ना, सुबह ब्रश कर इससे। दातुन मंजन के की तरह साथ। ये तो शुक्र है हम वैसे तो हम छत का पैनल चेंज कर देंगे, लेकिन ये छत भी अगर आप पॉलीकेट उतारे तो ये भी पॉलीकेट उतारेंगे नहीं, बहुत पॉलीकेट, लेकिन एक बार दिखाइएगा जरूर साथ। हाँ एक बार उस्ताद, क्योंकि वरना जो देखने वाले उनको यकीन नहीं आता, या जो काम करवाने वाले उनको भी ऐसे समझ नहीं आता कि फर्क क्या है। जब आप छत की तरफ बढ़े तो एक बार दिखाइए ताकि हमारे देखने वाले जितने उनको एक बार ही क्लियर समझ में आए कि फर्क क्या है, कहानी क्या है। लगे रहे उस्ताद, ये एक छोटा सा एक वो था और डिफरेंस कहानी का,
ये अब ये जो रियर जो लाइन की जिसकी बात कर रहे हैं उस्ताद, ये ना पूरी ये वाली इस लाइन की जो पैनल अलाइनमेंट जिसको कहते हैं कि पैनल को अलाइन करने की जो बात होती है, वो पूरा का पूरा हुआ वो बेसिकली पॉलीकट लगा के, लोहा कहीं से कहीं है, कहीं से कहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे, अब जैसे ये अभी आगे ये वाला एंड जो है ये अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ये अभी पॉलीकट लगी हुई है इस पे। अब देखो आप यहां से अभी उस्ताद उतारते जा रहे हैं, गरम 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 सा, मैं तो सिर्फ ऊपर से उसका मुंह खोलना चाह रहा हूं। खुल गया उस्ताद मैं ऊपर से, हमने तो वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये चल रही है, ये रिवॉल्व, ये बल्कि ये रिवॉल्व एक्चुअली, और देखो फिलिंग कहाँ तक है। अब इसी वजह से क्योंकि पट्टी से तो उतना ही इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती, पट्टी कहीं पर सॉफ्ट पड़ जाएगी, कहीं पर हार्ड हो जाएगी, इस तरह वेरिएट करेगी। तो देखो पैनल अलाइनमेंट कितनी बुरी है, यहाँ से पैनल चढ़ा हुआ है, यहाँ से उधर है, ये बेसिकली पैनल लोहे से अलाइन नहीं हुआ हुआ, ये बस पट्टी लगा के, मतलब जैसे दीवार को प्लस्तर करते हैं, ये प्लस्तर होके ऐसे इस नौयत में से सीसीडी के की गई है गाड़ी। अभी हमें फर्दर ऑन ना पता नहीं हम कब पहुंच सकेंगे फ्लोर पे, क्योंकि जहां हाथ लग रहा है वहां पे इधर आओ, जैसे जैसे अभी तो फ्लोर तक बढ़ना बहुत दूर है। अब अभी इसका ये फुटबोर्ड जिनको देसी जबान में फुटपाथियां भी कहते हैं, रनिंग बोर्ड एंड फुट बोर्ड उसका टेक्निकल नाम है, ये भी अभी हमें एक्सटीरियर 10-10 फिट के पैनल्स हमें चेंज करने होंगे, अंदर से फ्लोर साइड रिब्स जो होती हैं, फ्लोर सपोर्ट गार्डर्स और देसी जबान में इनको कहते हैं ये वाला पैनल। देखो ये कितना बुरा, अगर मैं इसके ऊपर लेटरल विजन दिखाऊं, देखो लेटरली अगर देखोगे तो कहीं से सीधा है, कहीं से ऐसे हुआ है, कहीं से ऐसे हुआ है, थ्रू आउट पीछे तक, पीछे तक, इधर नीचे भी, उधर पूरा एक ही हाल है। और वो ये तो मैंने आप लोगों को बीफ किया ही पिछली वीडियोस में, ये जो फ्लोर है इसका नो सपोर्ट सपोर्ट रिब, सपोर्ट गार्डर्स कोई नहीं है इसके अंदर। तो मैन ऑलवेज ट्राई एंड ऑप्ट फॉर गुड वर्क, गुड वर्क। ये ऐसा नहीं है कि ये देखो स्किल के पैसे अलग, मटेरियल के पैसे अलग, और उसके ऊपर दूसरे बर्न्स अलग, जो बर्न्स मतलब ओवरहेड यानी यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें फरहान ढमकाना, और फिर कुछ एक्सटेंड का प्रॉफिट भी तो चाहिए ना उसमें से। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर मतलब हाउ वुड अ बिजनेस सर्वाइव। और अगर वो ये नहीं अकाउंट कर रहा, और अगर वो सिर्फ आपकी प्राइस को सेटिस्फाई करेगा, आपके सामने क्या होगा, एक ऐसा लंबा सा मर्सिडीज तैयार हो जाएगा जो कि गाड़ी भी रहेगा, इसको मर्सिडीज भी बोलेंगे, बट जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ टर्निंग दिस इनटू अ लग्जरी लिमो दैट कैन नेवर बी अचीव। अभी एक और चीज इसके ऊपर अभी उस्ताद करेंगे, इसके ऊपर भी ये जो व्हील आर्चेस बन के लगे हुए हैं ये भी बहुत छोटे लगे हुए हैं। अच्छा, छोटे होने के साथ साथ देखो ये एक स्ट्रेट पैनल इधर है, ये कम से कम 1 से 1.5 इंच और चौड़ा होगा पैनल, और फिर इनका ड्रॉप जो है वो टीयर ड्रॉप आएगा, ये ऐसे यहाँ से टीयर ड्रॉप स्टाइल में बिल्कुल पॉइंटेड फिनिश आएगी पीछे भी आगे भी। वाजिद भाई ये बहुत टाइम लेगी, टाइम इसलिए लेगी क्योंकि काम होना है, काम नहीं होगा तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा सोचें। मैं हमेशा अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी ना कुछ दोस्तों के साथ था, बात होने लगी, मैंने उनको बड़ा ओपनली बोला यार कि अगर आपको लगता है ना कि आपको चे भी बना रहा हूँ, बट इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक सेगमेंट, फॉलो द एक्सपर्ट, इवन इफ यू थिंक वो रिप ऑफ होने वाला है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कुछ भी, आपको जो भी बात समझ में आए, लेकिन पहले किसी एक्सपर्ट के साथ काम करो, gain experience and then आप उस cost को beat करने के ऊपर बात कर सकते हो। Stay tuned guys.